हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम है, एक बजा है और अभी बच्चे तो स्कूल में से नहीं आए, तो मैं सोच रही हूँ, जैसे कि आज धनतेरस है, धनतेरस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो माँ लक्ष्मी जो है सबके घर में वास करे और सुख समृद्धि लाए। तो धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना होता है, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीजें हम हर साल लेके आते हैं, एक तो नया बर्तन तांबे का और स्टील का, झाड़ू और एक दो चीजें और हैं। लेकिन अब की बार मैं सोच रही हूँ, हमारे पास तांबे की 2-3 रोटियां जो है पुराने वाली रखी हुई है, तो वो भी लेकर जाएंगे। प्रीति ने वो इकट्ठी करके रख रखा बहुत सारा सामान, तो अभी आने के बाद में कुछ और काम निपटाएंगे, क्योंकि ये वाला किचन अभी अधूरा है। ये सामान है जो वापस चला जाएगा, क्योंकि ये पुरानी चीजें हमारे तो किसी काम की नहीं। देखिए क्या हालत हो रही है इनकी, तो काफी टाइम पहले ये हमने इकट्ठा कर लिया था, लेकिन पहली बार भी ले जाया गया था। अब की बार मैंने ये एक उसमें कर लेना है, पहली थैले में। तो चलो भाई, अभी मैं नीचे चलती हूँ। और ये गए हुए हैं गुड्डू के पापा, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे गुड्डू के स्कूल में, क्योंकि उसकी एक्टिविटी थी और वो हाउस ड्रेस नहीं पहन के गई थी, तो उसकी ड्रेस देने के लिए सुबह मैंने पैक नहीं किया था, तो मैंने बोला था कि बाहर से लेकर दे देना आप, कि बनाने में बहुत टाइम लग जाओगा, और मैं और प्रीति लगे हुए थे किसी दूसरे काम में। चलो भाई, प्रीति अभी लंच बना रही अपने नाम का, मतलब भाई हम तो करेंगे सारे के सारे। देखो घर के जो सदस्य है, बच्चों के लिए तो भिजवा दिया था बाहर से। और ये आ गए हैं, मैंने नीचे आकर दिवाली के लिए नए दिए, तो दिए घर पर ही पहुंचा दिए जाते हैं, या हमारे वहाँ पे तो अनाज के बदले दिए जाते हैं मायके वाले गांव में। तो प्रीति ने मुझे लगे लंच बना दिया, दिखे प्रीति जा रही तो मैं है? हाँ, तो मुझे जाना है मार्केट, और मार्केट से बताई मैंने 2-4 चीजें अभी ले आऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम फिर भीड़ ज्यादा हो जाती है और वाहन ना एक तेजी से ज्यादा चलते हैं, तो इसलिए अपना दिन दिन में जो है सवेरे ही अपना ये काम निपटा देते हैं। पटाखे तो सुनो, पहले समोसे खा लिए क्या है? जी। बच गए। और पता मैडम ने कितने डांटे तेरे पापा, बताइए से। हमें नहीं पता था, हम तो कह रहे मैडम मेरे को स्पेशल चीज लानी, कुछ आज कॉल खुल गया, यानी कि ये मैडम का नाम ले लेगा, झूठ बोल रहे। मेरी बात सुनो, मैंने कहा होगा मम्मी घर से बना के देगी, पापा जी पन्नी में लाया, आपको टिफिन में देना चाहिए था ना। बेटा पहले मैं जाऊँ थी, गड़बड़ इसकी वजह से हुई सारी, इसने हाउस ड्रेस के लिए फोन करा, मैं जाऊँ थी, मैं कहा दोनों काम हो जाएंगे, इनका लंच भी दे आवेंगे, मार्केट का काम भी अभी कर आवेंगे। लंच हमारा 10 बजे होगा, सेकंड पीरियड में लंच। नमस्ते। बहुत सारी एक्टिविटी चली, जैसे रंगोली मेकिंग था, बंधन वार मेकिंग, देखो। तो इसमें मैंने थोड़े से पुराने बर्तन ले लिए जो काम के नहीं है, खराब हो रहे, और ये चले जाएंगे, और कुछ पैसे डाल कर आ जाएंगे। देखो कितनी किफायती हुए औरतें, गृहिणी। और माँ की पायल ले ली, विकटवानी घुंघरू डलवाने, उसमें बढ़री बार बार पैरों में गुनी। और इस थैले में ले लिया मैंने गुड्डू का कुर्ता, वो बदल के लाना। तो चलो भाई, बच्चे भी आ गए थे स्कूल में से, और बच्चों की एक जो है वो पकड़ी गई, आपको तो वहाँ डांट मिलगी है? और बच्चे आनु कह रहे थे कुछ स्पेशल का स्कूल में ले जाने के लिए, और रिसेप्शन वाली मैडम ने मुझे डांट दिया वो। हाँ। और मुझे धमकाया, और मैं धमक के वापस भी आ गया। ठीक करा। सब्सक्राइबर दे, झाड़ू खरीदने वाले भी छोड़ दो भाई, रास्ता छोड़ दो। और महिलाएं अपने आप लेना आ रही, बढ़िया नत्ते आदमी है ना। की पायल लेके आई थी मैं, और माँ जी कह रही थी कि कटवा देना और इसमें घूंघरू डलवा दे। अब बताओ इसमें कितना दम है दम? गुड्डू का सूट चेंज करने के लिए आ गए, अब मैं भी आया, और आपकी बार आपको पसंद का ही लेना।
हम बताऊँ आपको ऐसा कैसे कलर लिए जा रखा हो देख लेंगे और उसके अलग से प्रेस जो उसको ठीक लगे वैसे ही कलर उसको होगा तो वैसे ही होगा तो उसके इसके प्रेस मिल नहीं रहा अभी मिल नहीं रहा तो बच्चों की ये सिस्टर जो इसमें नंबर बड़ों के कपड़े रखते हैं इनके तो छोटों के रखते हैं इनके नंबर मिलने भारी हो जाए कुछ उसकी हेल्थ ऐसी है कैसा भी ले लियो फिटिंग तो करवानी पड़ेगी जरूर उसकी चिंकी के तो बिना फिटिंग के भी आ जा ये तो बड़ा रह गया तो तेरे भी बड़ा ही लग रहा मुझे पता ऐसा ओढ़ के बैठ जाएगी गुड्डू तो देख रहे हैं अभी कुछ ना कुछ तो मिलेगा जरूर लेके जाएंगे ऐसी बात नहीं है आज फिर इतने सारे देख लिए पर बन नहीं रही बात है कोई लेंथ समझ में नहीं आ रही एक तो दुबले पतले बच्चों के कपड़े मिलने भारी हो जाए और एक जो भी दिक्कत ही है और मोटे में भी दिक्कत ही है मोटे में भी दिक्कत ही है मोटे के भी नहीं मिलते कहीं दोनों के साथ ही है व्हाइट शर्ट की इसकी डिमांड भी थी लेकिन पिछले साल की थी ये पहना लेंगे भाई ये भी पारंपरिक हो जाएगा तो उसके अलावा देख रहे हैं नंदनी की एक ड्रेस वो अब कह रही थी चलते हुए कि मेरा साइज भी पूछ लिया मिल जाएगा क्या उसके लिए लेंगे हम एक ड्रेस अभी और अभी देखते हैं कुछ क्या पसंद के मिलेगी आज बाइक निकालना मार्केट से बड़ा मुश्किल है और ये वाली कैसे निकलेगी पता नहीं मैंने कहा ना आपके से मोड़ के लिया हुआ आप क्योंकि हमें बर्तन चेंज करने हैं और वो सोफ है पीछे हम आगे थे पहले गुड्डू के कपड़े चेंज करने के लिए सूट सलवार तो हमने लिए नहीं हमने लिया एक टॉप और एक जोड़ी लिया है कपड़े नंदनी के ये बढ़िया साइज ठीक है इसका पर इसमें तो सब्जी फंसा करेगी ये तो ऊपर तक नहीं अड़ी हाँ इसका साइज ऐसा है ना आप ही कह रहे हैं ना इसकी शेप तो कुछ ऐसे ऊपर से यहाँ बीच में नहीं ये तो पहले ले जा रखी कुछ और शेप के ले लें ये तीन ही तो रह गई हैं क्या बस ये छोटी ये छोटी बनना खुद नहीं लेती इसलिए मैं अब देख लो वहाँ है डिजाइन बड़ा ले लो ठीक है देख लो आज थोड़ा फेर ले जाएंगे ये देखो दुकान में नीचे बीच में देख नीचे उठा दिया बड़ा सा कौन सा गेना थोड़ा हमें हम तो बहुत प्रेम से रखे सुनने का है तो भाई अभी जो है एक बार तो हम यहाँ से ले गए थे शॉपिंग कर गए यहाँ तो नहीं आपको कुछ लेना देखो जी कितने अच्छे तरीके से बुढ़ाना के बाजार सज रहे लाइटें सीनरी फुलझड़ी और भी बहुत अटरम सटरम है जागतों का और हमारे बच्चों की भी डिमांड है कि लड़ी जरूर लेकर आइयो घर सजाना नए वाला क्योंकि पहली बार तो सजेगा हमारा नया घर है ना तो पूरा दुल्हन की तरह सजावागे वे भी कैट तीस नहीं फिर भी चेक करके लेनी चाहिए तो गाइस हम लोग यहाँ से जो है लड़िया ले रहे थे झल्लर वगैरह तो लड़कियों ने हमें पहचान लिया तो शायद ये कोचिंग सेंटर है ना हाँ मुझे पता नहीं था अच्छा कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है तो यहाँ पर ये कोचिंग करते हैं तो इन्होंने मुझे पहचान लिया फिर मैं आई सामने से ही ले रहे थे देखो जहाँ पे वो खड़े हुए हैं तो यहाँ से हमने बहुत सारी चीजें ले ली आज धनतेरस है ये देखो हैप्पी धनतेरस ठीक है ऐसे ही देखते रहो पढ़ते भी रहो ठीक है और घर से आ गया और सामान बता दिया उन्होंने हमें तो वो भी लेंगे अभी चलते टाइम ही दर्शन आली भाई आली क्या क्या खरीद लाई आ गई हूँ धनतेरस की सारी शॉपिंग कर गए दिवाली की ये देखो चलो पानी ले आओ अलग सूख गया आगे भाई आगे लगाई बहुत देर लगाई हाँ। साथ में नहीं थे आप मेरे क्यों देर लगी बर्तन वाला लिकड़न मिल जाएगा सड़क में दोपहर गए थे सांझ हो रही अब वही तो चक्कर है तेरा गला कैसा हो गया तन्ने क्या खा लिया तेरा गला कैसा हो रहा
बच्चे कर रहे थे इंतजार कि मम्मी कुछ लेकर आएगी, माँ को भी था किसी चीज का इंतजार। और ये हमारा फैशन डिजाइनर अपने आप ही, ये देखो इसमें तो है किचन का सारा सामान, धनिया, हाँ इसने बताया था प्रीति ने, धनिया हार्पिक और जी दाल है इसमें, एक दो तरह की चाय की पत्ती है, ठीक है हाँ इन्हें कोल्ड क्रीम मिल रही है, लखों का दर्द है। ये सामान बताया था मुझे प्रीति ने किचन का, क्योंकि किचन उसने साफ करी ना, वो कह रही थी नमक ले गईयो, दाल ले गईयो, हार्पिक लो इसे निकाल लो बाहर। हाँ माँ इसमें सारी में जलर ही है, और ये जलर ही जलर आई, ये देख लो अब ये धनतेरस के लिए रेडी होगी, पीले पीले दोनों के दोनों कपड़े पीले पीले। करवा चौथ पर तो मुंह पुतवा खाओगे, थ्रेडिंग करवा खाओगे, पूरा दिन लगेगा, अगले दिन सजेंगे, कल वो करवा चौथ है, करवा चौथ होने के बाद में हाँ ये तो मैं सारे घर की सफाई भी करनी, अब सफाई सारे मुंह का कलर खराब, सारी थ्रेडिंग खराब, सारा सजना सारी मुंह का चला घर की धूल सारे गांच पर चढ़ जाएगी। पिताजी से कुछ कह रहे हैं, कह रहे झल्लर लगाओगे तो देख कर लगाइयो, नहीं झल्लर है फिर भी देखना जरूरी है, बिजली का मामला हुआ है। कौन से आए पटाखे? पोप पोप, ये सबसे आसान है पटकाना, ये देखो जमीन में मारो पट दे ही ना, बस इतनी सी आवाज है इनकी। तो इतनी झालर लिया है पापा जी, मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा ही होगी, ये कहाँ गिरेंगी? ये तिरंगे वाली वे तो गिरेंगे लंबी। आ गए हैं अपने घेर में, तो भाई यहाँ पे जो है इन्होंने आज सुबह के टाइम काफी मेहनत की है, सारी बेले निकाल दी, तोरी और कद्दू की, देखो कितना स्पेस हो गया यहाँ पे, बल्ली वल्ली सब हटा दी और फिर से फावड़ा उठा लिया, मार्केट से आने के बाद में ये काम जरूरी था, कितने बड़े बड़े हो गए डब्बे में रखे हुए, जम जाएंगे नहीं जम जाएंगे, ये एक ककर का लगाना पड़ेगा विजय ने, सीधे के सीधे है ना, चलो कर दो तैयार फटाफट से, क्यारी बना दो इसकी लाइन सी खींच के, मैं फटाफट से लगाती रहूंगी, ठीक है अच्छा लग रहा, हटाने के बाद में देख कितना अच्छा लग रहा, अब छोटी फसल होगी ना तो और अच्छा लगेगा है ना। हाँ देखो तेरे पापा किस किस चीज के बीज लाए थे, अभी तक मैंने ये वाले बीज नहीं देखे थे, ये इन्होंने कई दिन पहले लेके आ रखे थे, तो ये मुझे बोल भी रहे थे कि मैं और नए बीज लेकर आया हूँ, क्योंकि जो मुझे फनगर से लेकर आए थे चकुंदर का बीज वो अभी तक नहीं जमा था, उसकी जगह हमने फिर ब्रोकली लगा दी थी, ब्रोकली का अच्छा रिजल्ट है जब उन पे आएगी तो और अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर मैं सारे बीज चेक कर रही थी किस चीज के क्या है, कुछ इसमें जो है खुले हुए बीज थे और यहाँ पर मैंने चने जो है वो लगाने शुरू कर दिए हैं कुछ इस तरीके से, पता नहीं पहली बार मैं इस तरीके से लगा रही हूँ, क्योंकि अब की बार ये ज्यादा अंकुरित हो गए हैं, काफी टाइम हो गया उस घर में ज्यादा बिजी थे काम में, तो इसलिए मैंने कहा आज इन्हें लगा ही देते हैं, नहीं तो ऐसे ही चार पांच दिन हमारे त्योहार में निकल जाएंगे, ज्यादा व्यस्त रहेंगे पूजा पाठ में, क्योंकि ये चार पांच दिन हमारे बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ के होते हैं, हम लोग करते हैं सारी पूजा, ये हमारी ट्रेडिशनल पूजा होती है, तो यहाँ तक मैंने चने जो है लगा दिए हैं और ये ख़त्म नहीं हो रहे थे, इन्होंने ज़्यादा भिगो कर रख दिए थे, तो अभी जो है बस ये थोड़ी देर में लग जाएंगे, इधर ये भी चकुंदर लगाना शुरू कर दिया इन्होंने डोली बना के। तो गाइज अभी हमने जो चीज़ के लिए ठाना था ना आज कि चने बोने हैं तो बो दिए, काफ़ी अंधेरा हो चुका है ये देखिए, और इधर गार्डन में बिल्कुल साफ दिखने लगा है बिल्कुल, क्योंकि आधी से ज़्यादा तुरई की बेल इन्होंने हटा दी, उस पर भी कुछ नहीं है, कल को अभी हटा दियो, कल को नहीं परसों परले दिन टाइम लगेगा हटा देंगे, हाँ क्योंकि अब तो कई दिन जो है हमारे त्योहारों में निकल जाएंगे। धनिया भी हो गया आज, देखा मैंने तो आज दिखाई भी दिया पानी देने के बाद में, आज हमारे आने से पहले चाचा जी ने इनमें पानी लगा दिया था और सुबह ये वाली क्यारी तैयार करके चले गए थे, इसमें इन्होंने बो दी है चकुंदर और उसमें मैंने चने लगा दिए पूरे वाली क्यारी में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा बीज भिगो के धर दिया था, काफी अंधेरा हो गया, चले तो अब घर, अब तो कुछ करना ही नहीं, घर का काम निपटाऊंगी मुझे, अपना काम बहुत है, इधर के उधर के बाहर के वो सारे काम करने पड़ते हैं देखो, और फिर भी सबको लगता है कि हम बहुत ठंडी है, घूमते ही रहे हमें ही पता, हमें मतलब जिस टाइम से उठे उस टाइम तक बाद में रात के 11 बजे चारपाई मिले बेड मिले, मतलब कमर सीधी करने को हमें ही पता इस चीज का, तो बस चलो देखो हमारी दो गाड़ी
छोटी बड़ी। भाई पूजा पाठ होने के बाद में हमारे घर में हो चुकी है धनतेरस की पूजा, और सबसे पहला दिया वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पर सारी पूजा होती है हमारे घर की, मंदिर के अलावा। इधर की लाइट इसलिए बंद है ताकि मच्छर ना अंदर जाए, नहीं तो मच्छर बहुत परेशान करते हैं खाना खाने के बाद। तो मैं तो अभी घर में से आई, अब जो है खाना बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखो जी सासू माँ भी बिजी है, लगी हुई है यहाँ पे खाना बनाने में। मैं तो सोच रही थी हमें करनी तैयारी, तो माँ ने यहाँ पे छोड़ देखना कर दिया, चूल्हे पर तो दूध डाल दिया जो कुकर चूल्हे पर आवे नहीं तो यहाँ दाल छोंक दी। मसरी की दाल लाई थे आज, तो अभी रसोई में देखो कल साफ करा था वैसे तो प्रीति ने, लेकिन रसोई में सामान लगाया जाएगा ना अभी, ये दाले वगैरह लाल मसरी घेर लो जरा सी हम भी खा लेंगे, नजर सो रहा है ना हमारे भी सारों में।